एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं जो हमारा तोवा और सिंतारो होते हैं वो दोनों रात में घूमते वो घर के लिए निकल जाते हैं। इसी दौरान सिंतारो कहना स्टार्ट करता है, घर में तुमने क्या बनाया? ये बात सुनकर तोवा कहते हैं, मैंने घर में कुछ नहीं बनाया, मुझे माफ करना, मैं जाते तुम्हारे लिए कुछ बना दूंगी। ये बात सुनकर सिंतारो कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, चलो हम बाहर से कुछ खरीद लेते हैं। हम तभी देखते हैं बाहर से सामान खरीद के घर के लिए निकल जाता है। और फिर सिंसी पुत्र नेक्स्ट में तोवा और सिंतारो को देखते हैं जो घर पे पहुंच चुके होते हैं। और तोवा जैसे घर के गेट को वहां पर देखते हैं वहां पर एक लड़की बैठ रखी होती है। और तभी देखते सिंतारो आके देख के बिल्कुल ही शॉक हो जाता है। और तब जो लड़की होती है वो आके हमारे सिंतारो को टाइट से हक कर लेती है। और इसी दौरान ये लोग बहुत ज्यादा ही करीब होते हैं, ये देख के जो हमारे तोवा होते हैं बहुत ज्यादा चौंक जाती है। और फिर सीन से पता है नेक्स्ट में देखते हैं लोग कमरे में आ चुके होते हैं जहाँ पर वो लड़की होती है वो बहुत ज्यादा खाना खाए जा रही होती है। और साथ ही ये दोनों बिल्कुल देख के शौक जाते हैं। और सिंतारो अपने मन में कहता अगर सारा खाना तुम ही खा लोगे तो मैं क्या खाऊंगा। दूसरी लड़की होती है वो हमारे सिंतारो से माफी मांगना स्टार्ट कर देती है और कहते कि मुझे माफ करना, मैं काम में बहुत ज्यादा बिजी थी, इस कारण मैं तुम्हें कभी ही मिलने नहीं आई। और ये बात सुनकर सिंतारो कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है और वैसे आप आ गए हो ये मुझे देखकर मुझे अच्छा लगा। और तभी साइड की ओर से तोवा होती है सिंतारो से पूछना स्टार्ट करती है आखिरकार ये लड़की है कौन। ये बात सुनकर वो जो लड़की होती है वो कहना स्टार्ट करती है मेरा नाम मारी चैन है और मैं सिंतारो की आंट हूँ। और ये बात सुनकर जो हमारी तोवा होती है वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। और तभी जो हमारी मारी चैन होती है वो बताना स्टार्ट करती है मैं एक मांगा राइटर हूँ और मैं बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ अपने काम के कारण, इस कारण मैं सिंतारो से मिलने नहीं आती। और ये बात सुनकर जो हमारी तोवा कहती है मांगा ये सब चीजें क्या होता है। ये बात सुनकर जो लड़की होती है मारी चैन बिल्कुल शॉक हो जाती है। और तभी सिंतारो होता है वो तो एक मांगा को लेके आ जाता है और आके कहता है देखो इस पिक्चर को देखो इसे कहते हैं मांगा बुक, इस पर कहानी लिखी होती है। अरे ये बात सुनकर इसके मारी चैन जो होती है इसकी आंट वो बहुत ज्यादा गुस्सा जाती है और सिंतारो को चिल्लाते बोलते तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हारे पास मेरा एक भी मांगा नहीं है, तुम किसी और का मांगा दिखा रहे हो। और ये बात सुनकर सिंतारो होता है बहुत ज्यादा चुप हो जाता है। और दूसरा मारी चैन होती है अभी भी गुस्सा होती है सिंतारो पर और उसको डांट लगाई जा रही होती है। और ये बात सुनकर सिंतारो होता है वो माफी मांगने जा रहा होता है। और तभी साइड का तोवा चैन कहना स्टार्ट करती है आप सब लोग यहाँ पर बैठो मैं कुछ बना के लाती हूँ खाने के लिए। और तभी जो मारी चैन होती है उसे रोकते बोलती है तुम जाओ मत, मैं ऐसे केक लेके आई हूँ और वैसे ये केक बहुत ज्यादा टेस्टी है। और ये बात सुनकर सिंतारो चौंकते बोलता है क्या केक, आखिरकार आप केक लेके क्यों आए। ये बात सुनकर मारी चैन होती है बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और कहती है कि क्या तुम्हें भी नहीं पता आज क्या है, और वैसे भी जो मेरा एडिटर है उसको भी नहीं पता कि आज मेरा क्या है, आज मेरा बर्थडे है बेवकूफ। और ये वैसे सुनकर जो हमारा सिंतारो होता है बिल्कुल ही शॉक हो जाता है। और तभी जो मारी चैन होती है वो रोते बोलती है मेरा बर्थडे तो किसी को याद नहीं होता, मैं तुम्हारे लिए पर भाग के आई हूँ कि मैं अपने फैमिली मेंबर के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा बट उसे भी याद नहीं है। अब नेक्स्ट में देखते हैं लोग केक में काट रहे होते हैं जब मारी चैन होती है अभी भी रोए जा रही होती है। और ये देख के जो हमारे तोवा चैन होते हैं वो उसकी हेल्प करती है। और तभी मारी चैन को रियलाइज होता है कि आखिर ये लड़की है कौन और यहाँ पर क्या कर रही है, वो तभी सिंतारो से पूछना स्टार्ट कर देता है। और ये बात सुनकर सिंतारो होता बहुत ज्यादा घबराने लग जाता और कहना स्टार्ट करता है ये चीज आपको अब ख्याल आ रहा है और वैसे भी ये बहुत देर से हमारे साइड में बैठ रही है, तब से आपसे पूछा नहीं अब इतने लास्ट में पूछ रहे हो। और ये बात सुनकर मारी चैन कहना स्टार्ट करती है मुझे माफ करना, मैं थोड़ा बहुत ज्यादा टेंशन में थी इसी कारण मैं ये सब बातें भूल गई और वैसे ये लड़की है कौन। और तभी सिंतारो होता बहाने मारते कहती है ये मेरी क्लासमेट है, हम लोग कुछ प्रोजेक्ट के वर्क के कारण हम यहाँ पर आ रखे थे बातचीत करने के लिए। और अपने मन में कहता कि मैंने यहाँ पर बहुत सारा झूठ बोल दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और तभी तोवा कहना स्टार्ट करती है सच में मैं आपसे बहुत ज्यादा मिलना चाहती थी, मैं यहाँ के जो ओनर थी उनसे मिलकर उनका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। और ये बात सुनकर सिंतारो होता उसे रोक लेता है बोलता बस तुमने शुक्रिया अदा कर दिया इससे आगे कुछ मत बोलो। दूसरा जो हमारी मारी चैन होती है समझ जाती है सिंतारो ने क्यों रोका है, वो तुम्हें कहना स्टार्ट करती है कि तुम लोग डिग्नेट कर रहे हो क्या, क्या तुम लोग कपल हो क्या। ये बात सुनकर सिंतारो होता है शर्माते कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है आप गलत समझ रहे हो, और वो वापस झूठ बोल देता है। इसी कारण सिंतारो होता है अपने मन में वापस घबराता बोलता है अरे नहीं मैं कितना झूठ बोलूंगा आज। और सब चीज़ें देख के मारी चैन कहना स्टार्ट करते है तुम इतना शर्मा क्यों रहो और वैसे ही मैं तुम्हारी आंट हूँ, मैंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा करा है बचपन से। ये बात सुनकर जो तोवा कहना स्टार्ट करते क्या आपने इन्हें पाल पोस के बड़ा करा है। ये बात सुनकर मारी चैन कहती है हाँ मैंने इसे पाल पोस के बड़ा करा है क्योंकि इसकी जो मॉम थी ना वो बहुत ज्यादा बिजी रहती थी और साथ ही इसके डैड जो अपने वर्क के कारण वो भी आ नहीं पाते थे घर पे, इसी कारण इसे ही मैंने पाल पोस के आधा बड़ा करा है। और वैसे ही तुम्हें पता है जो सिंतारो है ना वो बचपन में बहुत ज्यादा क्यूट लगता था। ये बात सुनकर तोवा कहती है सच में बहुत ज्यादा क्यूट लगता था बचपन में, काश मैं भी ये देख पाती। ये बात सुनकर मारी चैन कहना स्टार्ट करते हाँ जरूर अगली बार मैं आऊंगा ना यहाँ पर तो उसके लिए बचपन की तस्वीर लेके आऊंगी। ये बात सुनकर सिंतारो होता है चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। और फिर सिंसी पुत्र नेक्स्ट में देखते ये लोग केक खा रहे होते, दूसरा तोवा होती है वो अंदर से कॉफी लेके आ रही होती है बना के, और जो हमारी मारी चैन होती है ये पीछे देखे जा रही होती है। और सिंतारो तो कहना स्टार्ट करती है सच में तुम्हारा जो लड़की है ना ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है और साथ ही बहुत ज्यादा समझदार और बहुत ज्यादा काइंड और हार्ड वर्किंग है, ऐसा बातें कहते हुए बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। और इसको लग रहा होता है कि सिंतारो उसका डेट कर रहा होता है। और हम तभी देखते हैं जो मारी चैन होती है वॉशरूम में चले जाती है जहाँ पर दो वो रखे होते हैं ब्रूस, वो तो पूछना स्टार्ट कर देते हैं। अरे बात सुनकर सिंतारो वापस बहाना मारना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि एक ब्रश से मैं ऊपर के दांत साफ करता हूँ
दूसरों से मैं नीचे जगह दांत साफ करता हूँ। ये बात सुनकर मारी जान होती है कुछ कहते ही नहीं, वो समझ जाती है और तभी जाके वॉशरूम करना स्टार्ट कर देती है। और उसी दौरान उसे अपने दिमाग में ख्याल आता है, सिंतारो मना कर रहा है कि इसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, इसकी दोस्त है, और सिंतारो तो यहाँ पर अकेला रहता है। आखिरकार उस लड़की को घर में लेके आके कर क्या रहा है, और सब बातें सोचते हुए बहुत ज्यादा घबराने लग जाती है। वो तभी चिल्लाते हुए सिंतारो से पूछना स्टार्ट कर देती है, आखिरकार तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो। और ये बात सुनकर जो तोवा होती है वो कुछ समझ नहीं पाती कि आखिर क्या चल रहा है। दूसरा सिंतारो चिल्लाते हुए बोलता है, आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, हम बस दोस्त है, हम बस वर्क के कारण यहाँ पर आ चुके थे। अरे बात सुन के मारीचान कहती है वो, अच्छा चलो ठीक है फिर, और वैसे ही अभी तो बहुत ज्यादा रात हो चुका है, तुम्हें तोवाचान को घर छोड़ देना चाहिए। ये बात सुन सिंतारो कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं। और फिर से इनसे पता नेक्स्ट समय देखते हैं लोग घर के लिए निकल चुके होते हैं, मतलब छोड़ने के लिए। और हम देखते हैं रास्ते में मारीचान होती है आगे चलते जा रही होती है, जो सिंतारो होता तोवा से बात कर रहा होता पीछे, और उसे प्लान समझा देता और कहता कि तुम आगे आगे कट पे बोल देना कि मेरा घर आ चुका है, तुम वहाँ से निकल जाना, और वहाँ से जब हम मुड़ जाएंगे तो तुम वहाँ से उड़ के घर के बालकनी में आकर छुप जाना। ये बात सुनकर तोवा कहते हैं, हाँ क्यों नहीं जरूर। दूसरा मारीचान कहते हैं, तुम पीछे क्या खुशबुसा रहे हो, जल्दी आओ। और हम देखते हैं ये लोग चलना स्टार्ट कर देते हैं, और थोड़ी देर बाद ये लोग हमारे तोवाचान को बाय बोल के निकल जाते हैं। और इन लोगों के जाने के बाद जो हमारे तोवाचान होती है वो हवा में उड़ के वो बालकनी के ऊपर पहुंच चुकी होती है, और जाके वो बस चैन से छुप छुप के ना देखे जा रही होती है। दूसरा हम देखते हैं जो हमारे सिंतारो और मारीचान होते हैं वो आपस में बातचीत करे जा रहे होते हैं, और सिंतारो कहना स्टार्ट करता है, आखिरकार आप घर कब जाओगे। ये बात सुनकर मारीचान कहता है, घर पर क्यों, मैं तो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने आई हूँ, और वैसे ही तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे सिवा मेरा कोई फैमिली मेंबर है नहीं अभी इस कंट्री में, इसी कारण मैं तुम्हारे पास आया हूँ। और वैसे तुम मुझे भगा क्यों रहे हो यहाँ से, और साथ ही आज मेरा बर्थडे तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। और सब बातें कहते हैं वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। दूसरा सिंतारो होता है बासों का बिल्कुल ही शौक हो जाता है, पर मन में घबराते बोलता है, इसका मतलब है कि आज तोवाचान को वापस बालकनी में सोना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता। और तभी जो मैं मारीचान कहना स्टार्ट करती है, तुम्हें पता है ना कि मेरा काम का कितना फोर्स है मेरे पे, और साथ ही मैं बहुत ज्यादा बिजी रहती हूँ, और मैं घर तो वापस जाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि जो मेरा एडिटर है उसको तो मेरे काम के बारे में पता भी है, तब भी उसने मेरा जो है बर्थडे भूल चुका है। और ये बात सुनकर सिंतारो कहता है, वो अच्छा है ऐसी बात है, और वैसे आपके एडिटर का नाम क्या है। ये बात सुनकर मारीचान कहते हैं, कीड़ा नाम है। और ये बात सुनकर सिंतारो होता है बिल्कुल ही शॉक हो जाता है, और बोलता है, क्या सच में कीड़ा नाम है, वो तो बहुत ज्यादा फेमस है, सच में वो आपके राइडर है, और उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करे जा रहा होता है। और ये सब बातें सुनने के बाद जो हमारी मारीचान होती है बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है, और जाके वो साइड में कोने में बैठ जाती है, और रोते बोलती है, सच में तुम जितना उसकी तारीफ कर रहे हो वो उतना ज्यादा काबिल नहीं है, माना कि मैं उसकी जितना फेमस नहीं हूँ, बट मैं ये बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग करती हूँ। ये बात सुन के जो हमारा सिंतारो होता है वो आके मनाना स्टार्ट करता है, और कहता है कि मुझे पता है आप फेमस नहीं हो, बट आपके मांगा भी तो बहुत ज्यादा बिकते हैं। ये बात सुन के जो हमारी मारीचान होती है वो वहीं पर उल्टा लेट जाती है, और बच्चों वाली हरकतें कर रही होती है। और हम तभी देखते हैं सिंतारो आके उसे समझाना स्टार्ट कर देता है, लेकिन जो मारीचान होते हैं वो अभी भी समझ नहीं रही होती है, और तुम्हें घर का बैल बजना स्टार्ट होता है। ये देखिए मारीचान कहती है, तुमसे खोलना हुआ दूसरा पेची का तो होते देखे जा रही होती है। हम सिंतारो को देखते जो जैसा गेट खोलता है अंधार की ओर से एक लड़की आ जाती है, जो दिखने बहुत ज्यादा डरावना लग रही होती है। वो तभी कहना स्टार्ट करती है, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और देख के मारीचान होती है बहुत ज्यादा डर जाती है, और बोलती है कि तुम मेरे साथ दूर रहो। और तभी जो लड़की होती है कीड़ा, वो कहना स्टार्ट करती है, मुझे लगा ही था तुम आज यहीं पर ही होगे, क्योंकि मैंने सुना था तुम्हारा कोई फैमिली मेंबर है जो इसी अपार्टमेंट में रहता है, और वैसे आखिरकार ये लड़का कौन है। और तभी सिंतारो बताना स्टार्ट करता है, वो मेरी आंट है। ये बात सुन के जो कीड़ा होती है बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, वो तभी सिंतारो से माफी मांगना स्टार्ट कर देती है, और कहती है कि मुझे माफ करना, मैं बहुत ज्यादा पागल हूँ, मैंने सोचा कि इनके कोई फैमिली मेंबर है नहीं, इसी का मैं काम में बिजी रखने देती थी, और मुझे अब सब पता चल चुका है कि इनके कोई फैमिली मेंबर है, तो मैंने छुट्टी दिया करूंगी हफ्ते में। ये बात सुनकर जो हमारी मारीचान होती है बहुत ज्यादा खुश होती है, और कहती है कि हाँ ये हुई ना बात, तुम मुझे छुट्टी देना, क्योंकि मुझे इससे मिलने आना है, क्योंकि ये मेरे एक फैमिली मेंबर है। और ये बात सुनकर सिंतारो कहना स्टार्ट करता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको कोई छुट्टी देने की जरूरत नहीं है, तुम इसे 24 घंटे अपने पास रखो और काम करवाओ। ये बात सुनकर जो हमारी कीड़ा होता है उसे इतना देखना स्टार्ट कर देते, ये देखिए जो मारीचान होती है बहुत ज्यादा घबरा जाती है, और कहते हैं कि मुझसे दूर रहो, मेरे को ऐसा घूर के मत देखो। और तभी जो हमारी कीड़ा होती है उसके पास आ जाती है, और आके माफी मांगते कहती है, ये मुझे माफ करना, और वैसे घर चलो, आज तुम्हारा बर्थडे है ना। और ये बात सुनकर जो हमारी मीराचान होती है बिल्कुल ही शौक आती है, बोलते क्या तुम्हें मेरे बर्थडे का पता था। ये बात सुनकर कीड़ा कहती है, हाँ मुझे पता था। ये बात सुनकर मीराचान बिल्कुल ही शौक आती है, और शर्माने लग जाती है, और उसको शुक्रिया अदा कर देती है। और तभी कीड़ा कहती है, चलो यहाँ से, मैंने तुम्हारे केक लाई हूँ, हम जाकर उसे काटेंगे और सेलिब्रेट करेंगे। और फिर से पता नेक्स्ट समय देखते हैं जो हमारे कीड़ा और मारीचान होते हैं सिंतारो को बाय बोल के वो यहाँ से निकल जाते हैं। इसके जाने के बाद सिंतारो और हमारे जो तोवा होते हैं साथ में बैठ के बातचीत कर रहे होते हैं, और साथ में बहुत अच्छा टाइम भी बिता रहे होते हैं। और फिर सीन से पता नेक्स्ट डे का सीन दिखा जाता है, जहाँ पर सिंतारो होता है वो अपने काम से लौट के जा रहा होता है, और तभी अचानक से पीछे से एक लड़की होती है वो आके सिंतारो से टकरा जाती है। और ये देखिए सिंतारो होता है वो कहना स्टार्ट करता है, सच में ये लड़की तो दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है। और तभी पीछे का दो लड़के इसको आवाज़ मार रहे होते हैं। ये देखिए जो लड़की होती है सिंतारो को पकड़ लेती है और कहती है, हे मेरी मदद करो। ये बात सुनकर सिंतारो होता है उसका हाथ पकड़ता है और वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है।
दूसरा पीछे दोनों लड़के होते हैं। वो कहते हैं कि आखिर वो लड़की भाग के चली क्या गई, उसकी बुक तो हमारे पास ही रहेगी और हमसे डर क्यों रही थी। अब नेक्स्ट समय देखते सिंतारो और वो दोनों होते कोने में पहुंच चुके होते और सिंतारो नीचे बैठ रखा होता है और तभी जो लड़की होती है सिंतारो के पास आ जाती है। ये देख के सिंतारो बिल्कुल ही शॉक हो जाता है और साइड हटते हुए बोलता है, हे तुम क्या कर रहे हो। ये बात सुन के लड़की कहना स्टार्ट करती है, पता नहीं बट तुम्हारे बदन से बहुत अच्छी और टेस्टी महक आ रही है। ये बात सुन सिंतारो कहता है, वो अच्छा ऐसा है क्या, और वैसे मैं एक रेस्टोरेंट में काम करता हूँ इसी कारण ऐसा आ रहा होगा। ये बात सुन के जो हमारी लड़की होती है कहना स्टार्ट करती है, वो अच्छा हमें समझ गई। और तभी सामने का सिंतारो कहना स्टार्ट करता है, और वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और लड़की तुम्हारे पीछा क्यों कर रहे हैं। ये बात सुन के ये लड़की होती है कहना स्टार्ट करती है, मुझे नहीं पता वो मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रोफेसर हेलसिंग के स्टूडेंट होंगे जो मेरा पीछा कर रहे हैं मुझे पकड़ने के लिए। ये बात सुन सिंतारो कहता है, क्या हेलसिंग, तुम्हारा कहने का मतलब क्या, मैं कुछ समझा नहीं। और ये बात सुन के जो लड़की होती है वो कहना स्टार्ट करती है, प्रोफेसर हेलसिंग जो है ना वो वैम्पायर हंटर है, वो वैम्पायरों को पकड़ते हैं। और ये बात सुन सिंतारो बिल्कुल ही शॉक हो जाता है, बोलता है क्या वैम्पायर, तुम्हारा कहने का मतलब क्या, क्या तुम वही हो जो मैं सोच रहा हूँ। ये बात सुन के लड़की कहना स्टार्ट करती है, हाँ मैं एक वैम्पायर हूँ। ये बात सुनकर सिंतारो बिल्कुल ही शॉक हो जाता है, अपने मन में कहता है क्या एक वैम्पायर, मेरी लाइफ में पहले एक एंजल आई, फिर एक युकियोना आई और एक वैम्पायर आ चुकी है। और जो एपिसोड होता है यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना नेक्स्ट एपिसोड के लिए। बाय द वे, सायोनारा।